हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रिक किया देती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता चला होगा मिस्टर फैजू का जो टिकटॉक अकाउंट है वो बैंड हो गया है। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? जो दोस्तों, सिर्फ उनका टिकटॉक अकाउंट ही बैन नहीं हुआ है बल्कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो क्यों किया है, कब बैन हुआ, किस बात के लिए बैन हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आप हमारे आने वाले किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम खराब करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर फैजू 07 को और 07 के टीम को गिरफ्तार किया गया है और उनके अकाउंट को बैन भी किया जा रहा है। कुछ का हो गया, कुछ का बाकी है। तो क्यों गिरफ्तार किया, क्यों अकाउंट बैन किया, आप पहले इस वीडियो को देखिए। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। दरअसल इस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कहीं न कहीं गलत है, जो कहीं न कहीं टेररिस्ट को बढ़ावा देती है। इसी वजह से इनका अकाउंट बैन किया जा रहा है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आप बताइए कि आप मिस्टर फैजू 07 के फैन हैं या पूरे 07 टीम के या फैन हैं या फिर आप उनके हैटर्स हैं? क्या आप उनके इस वीडियो को सही मानते हैं, क्या आप इस वीडियो को गलत मानते हैं, हमें कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बस यही छोटी सी न्यूज आई थी, सोचा आपको बता दूं। हम आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।